धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। YouTube पर व्यूज 41 करोड़ से ज्यादा। लैला मैं लैला, ऐसी मैं लैला, व्यूज 40 करोड़ से ज्यादा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, व्यूज 35 करोड़ से ज्यादा। मेरे रश के कमर, व्यूज 30 करोड़ से नीचे यानी 27 करोड़ के करीब। और क्या से क्या हो गए देखते देखते, व्यूज 20 करोड़ से भी कम यानी करीब 12 करोड़। रिमिक्स का जादू हिंदी फिल्मों के गाने सुनने वालों के दिलो दिमाग से उतर रहा है। कुछ नया और ढंग का न बना पाने वाली म्यूजिक कंपनियां लगातार पुराने गानों को रिमिक्स करती आ रही हैं। लेकिन अब पुराने गायकों और संगीतकारों के इनके खिलाफ खुलकर सामने आने के बाद दर्शकों को भी ओरिजिनल की वैल्यू समझ आ रही है। मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान के सलीम भी इस नाराजगी से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। क्या कहूँ, बेशक नाराज होना ही चाहिए उनको, क्योंकि जब उन्होंने ओरिजिनल म्यूजिक एक लगन से बनाई है, एक मेहनत से, नियत से बनाई है, एक पर्पस के लिए बनाया है, चाहे वो सैड हो या हैप्पी हो या यू नो, तो उस मोमेंट को जो कंपोजर और लिरिसिस्ट जो मोमेंट बनाता है, वो चाहता है कि वो मोमेंट लोगों के नज़र में, लोगों के जहन में हमेशा हमेशा रहे। अगर आप रीमिक्स करके कुछ अलग सिचुएशन में डाल देते तो जाहिर है उनको वो खफा हो जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। सलीम ये भी मानते हैं कि संगीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन असली संगीत वही है जिसका जादू बरसों तक लोगों के दिलो दिमाग पर बना रहे। अपने फेवरेट गानों के बारे में पूछे जाने पर सलीम ने इन गानों के नाम गिनाए। कितने गाने हैं? लग जा गले, आज जाने की जिद न करो, अपने खुद के भी कुछ गाने हैं जिसको जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि ये हौसला है, ये हौसला फ्रॉम द मूवी डोर, मौला मेरे ले ले मेरी जान फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया, बहुत सारे गाने। मौजूदा दौर में पुराने गानों के रिमिक्स का दौर यशराज फिल्म्स की फिल्म बचनाए हसीनों से शुरू हुआ, जिसमें रणबीर कपूर ने अपने ही पापा पर फिल्माए गए इसी नाम के गाने पर खूब डांस किया था। गाना हिट रहा लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद आज फिर तुम पे प्यार आया है और न जाने कितने गाने रिमिक्स हुए, लेकिन ये सारे गाने आज की तारीख में न कोई सुनता है और न ही किसी को इनकी याद भी है। म्यूजिक हमेशा अलग अलग टाइप का लोगों ने बनाया है। कुछ म्यूजिक ऐसा आता है जो कभी भी हम भूल नहीं पाते, बरसों के बाद भी म्यूजिक याद रहता है। कुछ म्यूजिक तो हमेशा पांचों उंगली बराबर नहीं रहती है यार, हर आदमी की अलग एक पहचान होती है, हर आदमी की एक अलग एक टेस्ट होता है। कुछ गाने इतने हिट हो जाते हैं और जितने जल्दी हिट होते हैं उतने जल्दी उतर जाते हैं। कुछ गाने शुरुआत में हिट नहीं होते बट वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। रिमिक्स गानों से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों की बढ़ती दूरी ने उन गीतकारों को भी राहत की सांस लौटाई है जो म्यूजिक कंपनियों के दबाव में ये एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और अपनी रूह पर पत्थर रख कर पुराने गानों के मुखड़े उठाते रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com, मुंबई।